मैं अंजलि जसवाल आरबीएस सर की आवाज पर आप सभी का स्वागत करती हूँ आज दिन भर की खबरें लेकर। आज की मुख्य खबरें कुछ इस प्रकार है। गालक सभागार में हुए अखिल भारतीय संस्कृत बहुमूर्ति समारोह। कांगो एक्सप्रेस से रवाना हुए राष्ट्रीय विकलांग क्रिकेट टीम। ट्रैफिक पुलिस कर रही है मनमानी। जैनगंज की रोड पार्किंग खत्म करने पर विरोध में दिया व्यापारियों ने निगम आयुक्त को ज्ञापन। वाहन चालकों की मनमर्जी के कारण बस स्टॉप बनकर रह गए हैं 100 पीस। अब खबरें विस्तार से। गालक सभागार में अखिल भारतीय बहुमूर्ति संस्कृत समारोह का शुभारंभ हुआ। ये कार्यक्रम अखिल भारतीय कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन एवं ग्वालियर की संयुक्त समिति के तत्वाधान में हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महाराज मानसिंह संगीत विश्वविद्यालय के कुल सचिव DH चंदेल जी थे। इस अवसर पर छात्र छात्राओं के बीच संस्कृत में वाद विवाद प्रतियोगिता हुई। जो महाकवि भवभूति जी थे उनके अनुसार स्त्री को नारी को केवल एक वस्तु ही नहीं कहा, उन्होंने नारी को पदार्थ मतलब एक ऐसी वस्तु कहा था जिसके अनुसार केवल उसी को रोशन नहीं करती जिसमें जन्म लेती है बल्कि एक नर तो केवल एक। छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमें यहाँ विषय मिला है भवभूति जी की नारी चेतना, जिसमें हमें नारी चेतना को भवभूति जी के शब्दों में व्यक्त करना। जो भवभूति जी थे वो संस्कृत साहित्य का जो आकाश है उसमें एक रक्षक के रूप में शोभायमान है। उनकी जो सोच थी उस नारी चेतना के विषय में उतनी सोच किसी भी कवि ने नहीं दिखाई। नारी चेतना के जो तीनों इस कार्यक्रम का मैं आयोजक हूँ, संयोजक हूँ। आज यहाँ पर जीवाजी विश्वविद्यालय परिक्षेत्र में जितने महाविद्यालय हैं उन महाविद्यालयों को आधार बना करके अंतर महाविद्यालयीन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रतियोगिताएं संस्कृत के महाकवि नाटककार महाकवि भवभूति के साहित्य पर केंद्रित करके की जा रही हैं। मुख्य बात जो है जैसे शासन के द्वारा नारी को जागृत करने के लिए यह पूरे वर्ष काम किया जा रहा है, उसी तरीके से भवभूति के साहित्य में भी नारी चेतना को लेकर बहुत कुछ लिखा पढ़ा गया है। हमने सभी प्रतियोगिताओं का विषय नारी चेतना से संबंधित बना दिया है और अपने छात्रों को हम सुनना चाहते हैं कि भवभूति के साहित्य को पढ़ करके वो नारी के विषय में भवभूति के चिंतन को किस तरीके से समाज को देते हैं। तो इस प्रकार से न केवल संस्कृत साहित्य के एक महाकवि को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है बल्कि उस समय में नारी के विषय में समाज का क्या चिंतन था इस बात को भी हम प्रस्तुत करने का एक प्रयास कर रहे हैं। हमारा ये जो पूरा कार्यक्रम है ये कई चरणों में है। पहले चरण में हम प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं जिसमें विद्यालय स्तर की प्रतियोगिताएं भी आयोजित होती हैं, जिसका आयोजन पिछले दिन हुआ। आज महाविद्यालयों की प्रतियोगिताएं की जा रही हैं और आगामी दिन में हम विश्वविद्यालय स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन करेंगे। पहले चरण में प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है और दूसरे चरण में फिर हम संगोष्ठी का आयोजन करेंगे जिसमें देश भर से आए हुए विभिन्न विद्वानों के शोध पत्र और भवभूत पर विचार सुने जाएंगे और साथ ही संगोष्ठी के एक अंग के रूप में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होता है। क्योंकि महाकवि भवभूत इस क्षेत्र से जुड़े हैं और उन्होंने नाटकों की रचना की है इसलिए उनके नाटक का मंचन भी कराना हमारा उद्देश्य है, जिससे एक जन सामान्य पढ़े लिखे लोग तो संस्कृत समझ लेते हैं बोल लेते हैं लेकिन एक ऐसा समाज जो संस्कृत नहीं जानता है वो उनके नाटकों को जब दृश्य के रूप में देखेगा तो उसमें भी जागरूकता पैदा होगी। और हमारा ये प्रयास है कि एक अनपढ़ व्यक्ति से लेकर के और उच्च पढ़े लिखे लोग तक, बच्चे से लेकर के विद्वान तक सब लोग भवभूति के साहित्य से परिचित हों, संस्कृत साहित्य से परिचित हों और इस ग्वालियर के उस सपूत महाकवि को अपने जीवन में उतार सकें, कुछ इन्हीं भावनाओं को लेकर 26, 27 और 28 फरवरी को छात्रों की प्रतियोगिताएँ आयोजित की जा रही हैं प्रथम चरण के आयोजन में और देश का द्वितीय आयोजन जो है काफ़ी भव्य रूप में होता है। ये 6, 7 और 8 मार्च को आयोजित होगा। इसे महाकवि भवभूति समिति ग्वालियर और जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर और कालिदास संस्कृत अकादमी इन संस्थाओं के सम्मिलित तत्वाधान में ये आयोजन। इसका पुरस्कार वितरण कब होगा? इसका पुरस्कार वितरण 6 मार्च को जो उद्घाटन समारोह है उसी समय पर ये जो प्रतियोगिताएँ आज आयोजित की जा रही हैं अभी 3 दिनों में इन छात्रों को उसी समय पर मुख्य अतिथि के द्वारा पुरस्कार वितरण किया जाएगा। मतलब छोटी क्लास भी इसमें भाग ले रही है? हाँ, इसमें 3 स्तरों की प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई हैं। हमने 26 तारीख को अंतर विद्यालयीन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया, उन्हीं विषयों को लेकर के आज अंतर महाविद्यालयीन प्रतियोगिताएँ आयोजित की जा रही हैं और जो अंतर महाविद्यालयीन प्रतियोगिताओं में जो इंटर यूनिवर्सिटी प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाएंगी कल। मैं डॉक्टर मिश्रा सिंह अध्ययन केंद्र से
मैं इस चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। दिन प्रतिदिन ये बहुत तरक्की करे और जिस तरह से अपने ये निरंतर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होता रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत। मीडिया साहब क्या आकांक्षाएं रखती हैं? मीडिया हमारे क्या समाज की बहुत सी समस्याओं से मीडिया ही जुड़ती है। सबसे पहले हमारे पास मीडिया ही हमें समस्याओं तक अवगत कराती है, समस्याओं तक लेके जाती है, तो और उसी का समाधान मीडिया के माध्यम से ही हमें मिलता है कि हमें मीडिया तक किस तरह से जनता परेशान हो रही है, हमारे पास जो समस्याएं हैं उनको दूर कैसे किया जा सकता है, ये सब हमें मीडिया से ही संपर्क और जनता और मीडिया ही माध्यम एक बन रही है। ओके, थैंक यू। मैं मालविका पांडे, सबसे पहले मैं ये आपके आरबीएन सेवन को धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो हमारे अखिल भारतीय बहुमती समारोह में आए और उन्होंने हमारे प्रोग्राम को आगे तक ले जाने के लिए प्रयत्न किया, कोशिश की, तो इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ और दुआ करती हूँ कि आपका ये जो आईबीएन सेवन न्यूज़ है वो तरक्की करे, आरबीएस वो तरक्की करे, और इतनी उम्मीद रखती हूँ, आकांक्षा रखती हूँ कि वो हमारे जो संस्कृत का प्रचार प्रसार लोगों तक करें। और अखिल भारतीय विकलांग क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में आगामी 1 मार्च 2013 के अनंतपुर आंध्र प्रदेश में आयोजित 24वीं राष्ट्रीय विकलांग क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए मध्य प्रदेश विकलांग क्रिकेट टीम आज दोपहर 1 बजे कांगो एक्सप्रेस से रवाना हुई। कम संख्या में भी यात्री दिख रहे हैं, यात्रियों की परेशानी भी अत्यधिक हो रही है, इसके बारे में हम अवैध वसूली करती है, ऐसी शिकायतें जब आरबीएस सच की आवाज को जनता ने की तो इसकी पड़ताल करने आरबीएस की आवाज की टीम ने अपने वाहन को नो पार्किंग में लगाया एवं सच्चाई को पता किया। टीम ने वाहन को उसमें उठाए लेकिन अवैध वसूली जैसे कोई मामला सामने नहीं आया। जब आपने खोदा गली खोद रखी है पूरी निकलने की जगह नहीं है, हम लोग क्या करें, किधर किधर पार्किंग पे जाएंगे बताओ। एक मिनट, मतलब आपकी गाड़ी कहाँ से उठाई है? एकदम HDFC बैंक के ऊपर चढ़ाया भी नहीं जा रहा था, तो वो बोले कि आप इसको बिल्कुल साइड में लगाई क्योंकि पार्किंग के ऊपर सब रास्ते ब्लॉक थे, हम चढ़ाते कैसे इधर नाली और हमें अंदर पूरी रोड टूटी पड़ी। बताइए तो पार्किंग पे जाएंगे कहाँ पे? पार्किंग बनाना चाहिए, मतलब पार्किंग की प्रॉब्लम है ना। और आप मतलब जब आपने गाड़ी छोड़ी तो उसके कितने मिनट बाद गाड़ी वहाँ से उठा लीजिए गई? हम तो बस अंदर गए हैं, हमें नहीं पता, जैसे ही सायरन लगा हम तुरंत बाहर आए हैं। अच्छा। तो वो बोले कि यहीं पे लगा दो, जो चौकीदार से पूछा भी ये पार्किंग वाली जगह है तो वो क्या ऊपर चढ़ाया ही नहीं जा रहा था क्योंकि सब ब्लॉक थी, हम लोग का पूरा खुदा है तो वो चढ़े कैसे, हमसे तो चढ़ी नहीं रही थी गाड़ी, तो साइड में लगाई बिल्कुल है। जनता बहुत ज्यादा परेशान हो रही है और इनका बस एक ही विजुअल रहता है कि मतलब गाड़ियों को बस रहना रहता है। हर किसी हर कोई सदस्य यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान है और पुलिस डिपार्टमेंट नगर निगम से कह रहे हैं कि नगर निगम से नदी गेट से जयंतगंज तक सड़क के दोनों तरफ हो रही गाड़ियों के पार्किंग स्थल पर नगर निगम ग्वालियर द्वारा नो पार्किंग का बोर्ड लगाए जाने एवं इन स्थानों पर पार्क की गाड़ियां
का ट्रैफिक पुलिस द्वारा ई चालान बनाए जाने के विरोध में राजीव प्लाजा, संजय कॉम्प्लेक्स, पारसमणि मॉल आदि स्थानों के व्यापारियों ने निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। नगर निगम ग्वालियर ने आम जनता को जगह जगह रोकते टेम्पो सवारी वाहनों से होने वाली परेशानियों से छुटकारा दिलाने के लिए शहर में मुख्य स्थान पर बस स्टॉप बनाए हैं, जो कि आज दुर्दशा का शिकार होते जा रहे हैं। लाखों रुपए लगाकर जिन बस स्टॉप को बनाया गया था, आज उनमें से कुछ में कुछ लोग अवैध तरीकों से रह रहे हैं व कुछ में जानवर वास कर रहे हैं। वहीं कुछ स्थापित अनैतिक कार्यों का अड्डा बनते जा रहे हैं, जहां पर नज़ारे आम हो गए हैं, जिन्हें एक सभ्य समाज कतई पसंद नहीं कर सकता। आरवीएस सच की आवाज़ की टीम ने अपने कैमरों में इन स्टॉप को कुछ इस तरह से कैद किया है। बाद में जब टीएसपी ट्रैफिक अजय त्रिपाठी ने इस संबंध में बात की तो उन्होंने ये कहा। बहुत बढ़िया। लो मैं बोल रहा हूँ, तुम तो अपना जवाब देना। मैं पूछ रहा हूँ, ये आपके और हमारे पैसे से ये बस स्टॉपेज बनाए गए हैं, नगर निगम ने लाखों पैसे खर्च किए हैं इस पर, जिस जो हम टैक्स के रूप में देते हैं, तो इनमें आज लोग रह रहे हैं, इनका कितना भी गलत उपयोग हो रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारा तो ये कहना है, ये जगह जगह जो बनाए गए हैं ये टेम्पुओं के लिए बनाए गए हैं विशेष करके, और यहाँ पे जो ये गलत लोग आ जाते हैं ये हमेशा अश्लील हो जाती है भाई, क्या तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये नगर निगम द्वारा ही हो रहा है, इसे पता लगाया जाए और इसे हटाया जाए। हाँ सर, ये कभी अभी ग्वालियर के जो टेम्पो ऑटो चालक हैं वो स्टॉपेज पर ना रोक करके कहीं भी जहाँ सवारी ने हाथ किया अपने वाहन रोक देते हैं, जबकि नगर निगम की तरफ से व्यवस्था की गई है कि बस स्टॉपेज टेम्पो स्टॉपेज बनाए गए हैं, लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, और नगर निगम भी अब उस पर ध्यान नहीं दे रही है, उसने तो बना के छोड़ दिया। अब उन ऑटो स्टॉपेज या टेम्पो स्टॉपेज में जितने भी अनैतिक कार्य हैं समाज के, वो सारे हो रहे हैं, तो उसके संबंध में आपको हम इन्हीं जगहों पर ज़्यादातर चालान कर रहे हैं, जहाँ पर अपने स्टॉपेज बने हुए हैं और वहाँ पर जो लोग नहीं खड़े हुए हैं, जैसे गुलबाग के अपना दोनों तरफ बहुत अच्छा स्टॉपेज बना हुआ है, अपना गुरुद्वारे के पास बहुत अच्छा स्टॉपेज बना हुआ है, भारत देश से यहाँ पास इधर तमाम जगह 17 जगह करीब बने हुए हैं, बहुत अच्छे स्टॉपेज बने हुए हैं, वहाँ नहीं खड़े करते, तो हम लोग यही चालान के लिए, दूसरा हम लोगों ने अपने पोर्टेबल कैमरे बना लिए हैं, उससे जो हम लोगों के अधिकारी हैं वो जगह जगह पर जहाँ गलत जगह खड़े होते हैं उनका फोटो खींच के ई चालान के ऊपर पहुँचाने के लिए उससे पूछा सकता है, दूसरा अपना कहना है कि इन लोगों को देख के सहयोग करना चाहिए। ये मानना एक धारणा ये हो सकती है कि सवारी जहाँ होती है हम वहाँ खड़े हो जाएं, जाके गाड़ी हम वहाँ खड़ी करें, दूसरा हमारा कहना है कि आप जहाँ खड़े होने लगो सवारी वहाँ आने लगेगी। रेलवे स्टेशन इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है, बस स्टैंड इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है कि बस स्टैंड पर सबसे ज़्यादा सवारी आती है नहीं, अपने आप आती है, टाइम पर पहुँचती है, रेलवे स्टेशन 100% वहीं आती है जहाँ घूमना है, तो दूसरा पहलू ये भी है कि जहाँ जो खड़े होने लगे जाके वहीं पर सवारी आने लगेगी, इसका प्रैक्टिकल पहले कौन करे, जे सवारियों को ऊपर जाने लगे हैं या जे जाने लगे तो सवारियाँ आने लगी हैं, इस तरीके की इनको मानसिकता बदलनी पड़ेगी, अन्यथा लोग जो जुर्माना खाएंगे और चालान जमा करने पड़ेगा। कहीं ना कहीं जैसे आप लोग सख्ती करते हैं तो ये लोग एकजुट हो जाते हैं और एकजुट होकर कभी हड़ताल कर दी, विरोध कर दिया, प्रदर्शन कर दिया, तो उसमें कहाँ आपको लगता है कि सब मतलब जो नॉर्मल पब्लिक है इनके अलावा वो आपको सपोर्ट करने में पीछे रह जाते हैं? बिल्कुल पक्का, हम मानेंगे पब्लिक को ऐसे समय में हम लोगों को साथ दिया, हम लोग गलती कर रहे हैं तो पब्लिक को उसका विरोध करना चाहिए, सीधी सी बात नहीं, अगर हम लोग गलत कर रहे हैं तो पब्लिक उसको साथ देना चाहिए, हम लोगों को साथ देना चाहिए, जब भी कोई ऐसा मौका आता है हम लोगों को साथ खड़े हो, तो हम लोग पूरी दमदारी के साथ कि हमारे साथ भी जितने लोग खड़े होते हैं, निर्भर का कि हम लोग को कायदे काम जो है उसमें हम लोग कानून नाम बनाते हैं, हम पालन कराने वाला काम हमारा, कानून के प्रति किसी का विरोध है तो सरकार से विरोध करे जाए, कानून पालन कराने में कोई तरीके में विरोध है तो हम लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं, उसके लिए हम लोग नहीं तो अन्यथा जो कानून बने हैं उनका पालन हो सकते हैं। जनता से सीधा ट्रैफिक जागरूकता की सभी के दिमाग में हमारे ट्रैफिक जागरूकता की बहुत बड़ी कमी है यहाँ पर, उसके लिए सबको प्रयास करना चाहिए जितने लोग। आज की झलकियों में बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी चैनल पर इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार।